हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व कराएंगे, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री के सब टॉपिक जैन धर्म से संबंधित होगा। जैन धर्म एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ध्यान रखिएगा इनका नाम, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। तो तीर्थंकर किस व्यक्ति को बोलते हैं? तो तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जो क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा इत्यादि पे विजय प्राप्त कर चुका होता है। तो जैन धर्म में ऐसे ही कितने तीर्थंकर हुए? तो दोस्तों, जैन धर्म में ऐसे ही 24 तीर्थंकर हुए। और हमारे 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो यह वीडियो जो है स्पेशली महावीर स्वामी को ही डेडिकेटेड होगा। आइए जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो किस स्थान पे हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में। और एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके बचपन का क्या नाम है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान, ठीक है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद संन्यास जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरम्भिक के समीप, याद रखिएगा जरम्भिक एक स्थान है और इसी के आसपास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई महावीर स्वामी को, तो उसके बाद वो अन्य नामों से जाने लगे, जिनमें जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। जिन का अर्थ होता है विजेता, अरहत मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने उपदेश देना चालू किए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर या राजगृह में। और किस भाषा में दिया था? तो अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा में उन्होंने अपने प्रथम उपदेश को दिए थे, ठीक है। अब 72 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? महावीर को निर्वाण मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? बिहार के पावापुरी में। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो कुंडग्राम। और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। तो महावीर के मृत्यु के पश्चात जो जैन मत है वो दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके पीछे एक कहानी है, आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। तो 300 ईसा पूर्व मगध में क्या हुआ? 12 वर्षों का एक भीषण अकाल आया, जिससे जैन धर्म के दो अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु क्या करते हैं? भद्रबाहु जो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक की ओर चले जाते हैं, और स्थूलभद्र इस अकाल की स्थिति में मगध में ही रहते हैं। जैसे ही अकाल खत्म होता है, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ वापस मगध आते हैं, जिससे स्थूलभद्र और भद्रबाहु के शिष्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसके बाद जैन मत जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से थे वो दो भाग? एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। तो श्वेतांबर किनके शिष्य हुए? स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया, और दिगंबर किसको कहा गया? भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने जैन धर्म के त्रिरत्न की ओर। तो जैन धर्म में तीन इंपॉर्टेंट रत्न थे, कौन कौन से? सम्यक के दान, सम्यक के ज्ञान, सम्यक के दर्शन, सम्यक के आचरण, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इन तीन रत्नों को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म में तीन रत्न, इनमें से तीन रत्न कौन से नहीं है? तो ये तीन ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ऑड ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस ऑप्शन को टिक करना है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर। हमारे अगले स्लाइड में जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। तो सवाल आता है, तो किसको मानते थे? तो जैन धर्म के लोग मानते थे आत्मा को। जैन धर्म के लोग मानते थे किसको? आत्मा को। और जैन धर्म के जितने भी आध्यात्मिक विचार है वो कहाँ से लिए गए हैं?
सांख्य दर्शन से। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों ये जानते हैं कि जैन धर्म के जो भी 24 तीर्थंकर थे उनके पद चिन्ह, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। जैसा कि हम जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमारे लिए 3 तीर्थंकर इम्पोर्टेंट है। कौन? ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, और पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और महावीर स्वामी, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर। तो आइए इनके चिन्ह के बारे में जानते हैं। तो ऋषभदेव को किस चिन्ह से पहचाना जाता था? तो ऋषभदेव को सांड के चिन्ह से पहचाना जाता था। हमारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये किस चिन्ह से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे सर्प के चिन्ह से। अब हमारे 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्हें सिंह के चिन्ह से जाना जाता था। तो दोस्तों जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कुछ टाइम पहले मैंने बताया भद्रबाहु के बारे में। तो भद्रबाहु ने एक किताब लिखी जिसका नाम था कल्पसूत्र। तो यहाँ से हमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये याद कर लीजिएगा कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। और इसी के साथ हमारा थ्योरी वाला सेक्शन समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले MCQ सेक्शन की ओर। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे पहला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है कपिलवस्तु, कुंडग्राम, मगध और पावापुरी। दोस्तों मैंने बताया था महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन बी, कुंडग्राम में। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए है लिच्छवी, बी सल्लास, सी शाक्य और डी ज्ञात्रिक। तो दोस्तों महावीर स्वामी जो है उनका गोत्र कौन सा था? तो ज्ञात्रिक गोत्र के थे वो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आगम, बी त्रिपिटक, सी वेद और डी आर्यसूत। तो दोस्तों जैन साहित्य को कहते हैं ऑप्शन ए, आगम। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पावा, ऑप्शन ए है पावा, बी वल्लभी, सी मगध और डी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र, और इसी संगति में जैन दो मतों में बट गया। एक को क्या कहा गया? श्वेतांबर, और दूसरे को क्या कहा गया? दिगंबर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वां। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी आलार कलाम और डी हेमचंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने, जिसमें उन्होंने 24 तीर्थंकरों के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वां। महावीर का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन सी वर्धमान। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों वीडियो में मैंने कई बार बताया जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऑप्शन सी, ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों महावीर की माता का नाम भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। ऑप्शन ए है त्रिशला, बी देवनंदिनी, सी यशोदा, डी प्रियदर्शनी। तो दोस्तों ऑप्शन ए त्रिशला, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। और प्रियदर्शनी कौन थी? महावीर की बेटी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो महावीर की मृत्यु ऑप्शन सी, पावापुरी में हुई थी। इसी के साथ हमारा MCQ वाला सेक्शन भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।